हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं URL रीराइटिंग इन जावा सर्वलेट। और हम लोग देखेंगे URL रीराइटिंग क्या होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर बैकएंड के डेवलपर हो या फिर आप PHP सीख रहे हो या फिर आप पाइथन से वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो या किसी भी टेक्नोलॉजी से अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो URL रीराइटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में यही सारी चीज़ जानने वाले हैं URL रीराइटिंग के बारे में कि ये URL रीराइटिंग होता क्या है, इसको हम लोग करते कैसे अपने प्रोग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं URL रीराइटिंग होता क्या है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन देखेगा उस पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो URL रीराइटिंग क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, URL रीराइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अपेंडिंग और मॉडिफाइंग एनी URL स्ट्रक्चर वाइल लोडिंग अ पेज। एग्जैक्टली ये डिफिनीशन परफेक्ट सही कह रही है, बट हम लोग को मुझे तो एकदम ही नहीं समझ में आया कि होता क्या है, तो इसको चले समझते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जब हम लोग पेज होता है, हमारा कोई पेज होता है, HTML का पेज है या लेट अस सपोज दिस इज़ HTML पेज जो कि हम लोगों ने बनाया है बहुत मेहनत करके, सर्वर पे हम लोगों ने रखा है एंड एक हमने सर्वलेट बनाया है और ये भी अपने सर्वर पे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारा एक पेज है और एक सर्वलेट है। और इसी तरह हम लोग अगर जावा यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग JSP के पेजेस भी बना सकते हैं, .jsp होगा और ये जो सर्वलेट होगा एक क्लास होगा, ठीक है, ये जावा की क्लास होगी, ये नॉर्मल पेज है और ये HTML का सिंपल स्टैटिक पेज है। तो हम लोग को समझना ये है कि ये पेजेस कॉल कैसे होते हैं, एक्चुअली कैसे क्लाइंट कॉल करता है। तो बेसिकली जो आपका क्लाइंट होता है वो यहाँ पे एक ब्राउज़र होता है, क्लाइंट जो मशीन होती है वो आपकी ब्राउज़र होती है। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि ये कॉल कैसे होते हैं। तो जो क्लाइंट मशीन है ना, ये ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे URL बॉक्स दिखता है, ये URL बॉक्स होता है। और आप लोग को सबको पता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो यहाँ पे आप जाते हो, लिखते हो www.google.com। तो जैसे हमारी, लेट अस सपोज हमारा ये सर्वर है और हमारी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे onlyjavatech.com और ये तीनों जो पेजेस हैं ये इसी ओनली जावा टेक के सर्वर पे रखे हुए हैं। तो आप खुद सोचिए कि इन सर्वर को कॉल कैसे करोगे। आप सबसे पहले वेबसाइट लिखोगे www.onlyjavatech.com। अब फ्रेंड्स ये तो आपका सर्वर हो गया, दैट मीन्स आप इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो। उसके बाद आप लिखते हो स्लैश, अब स्लैश के बाद लिखते हो कि भैया हमारे पास तीन पेजेस हैं, एक HTML पेज है जिसका नाम ले देते हैं one.html और एक सर्वलेट देते हैं जिसका URL पैटर्न दे देते हैं P, ठीक है, और JSP पेज का नाम है ऐसे ही T, ठीक है। तो आप देखिए सबका अलग अलग नाम है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्लैश करोगे और यहाँ लिखोगे one.html, अब होगा क्या, क्योंकि आपने वन पेज को एक्सेस करने की कोशिश की तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी इस पेज के लिए और ये पेज आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा, दैट मीन्स ये पेज क्लाइंट को लोड हो जाएगा। अगर आपने यहां पे लिख दिया इस पेज का नाम तो आपको इस पेज की इंफॉर्मेशन दिखेगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने यहां पे लिख दिया सर्वलेट का URL पैटर्न, दैट मीन्स इस सर्वलेट का URL पैटर्न, जैसे मैंने यहां पे पी रखा है, तो अगर आपने यहां पे पी दे दिया तो ये वाला सर्वलेट यहां से रिक्वेस्ट सर्वलेट को रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वलेट का डू गेट या डू पोस्ट मेथड, दैट मीन्स सर्विस मेथड चलेगा और सर्वलेट का रिस्पॉन्स यहां पे आ जाएगा जो आपने सर्वलेट के अंदर से प्रिंट वगैरह किया होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दे दिया टी, जो कि टी हमारे JSP पेज का नाम था, तो अगर आपने यहाँ पे t.jsp लिख दिया, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट इस बार जाएगी हमारे टी वाले पेज को और हमको दिखेगा ये वाला पेज। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जिस पेज को आपको लोड करना है उस पेज का आप यहाँ पे नाम लिखते हो, अगर HTML है तो abc.html, one.html, JSP पेज है तो आप
टी डॉट जे एस पी, इंडेक्स डॉट जे एस पी, होम डॉट जे एस पी, प्रोफाइल डॉट जे एस पी, आप यहाँ पे लिख देते हो। लेकिन अगर आपको सर्वलेट चलाना होता है तो आप सर्वलेट का यू आर एल पैटर्न लिखते हो जो आप वेब डॉट एग्जाम में स्पेसिफाई करते हो। तो यू आर एल रीराइटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप जब यू आर एल लिख रहे हो ना, ये वाला यू आर एल लिख रहे हो, ये वाला यू आर एल, तो इसके साथ में आप कोई वैल्यू भी अपेंड कर सकते हो, इसके अंदर रख सकते हो। जैसे आप यहाँ ये भी रख सकते थे ए इक्वल टू बी। आप क्या करिए, आपके URL में क्वेश्चन मार्क लगाइए और ये आप लिख दीजिए ए इक्वल टू बी और फिर एंड लगाइए बी इक्वल टू सी। इसी तरह आप इक्वल इक्वल करके, एक्चुअली यहाँ पे देनी होती की वैल्यू पेयर, तो आप दे सकते हो। अब होगा क्या, जो ये देखिए आपने क्या किया, आपने URL को, ये जो URL है इस URL को मॉडिफाई कर दिया, इस URL को मॉडिफाई कर दिया। अब होगा क्या कि जो वैल्यूज आपने URL में रखी हैं वो URL किस पेज को ओपन कर रहा है, t.jsp इस पेज को ओपन कर रहा है, तो ये वैल्यूज ये पेज क्या कर सकता है, फेच कर सकता है। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। हम लोग थोड़ा अच्छे से URL लिखते हैं, तो लेट अस सपोज हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे सर्वर पे यहाँ पे सर्वलेट है S1 और इसका URL पैटर्न भी S1 है। तो लेट अस सपोज अगर आपको कॉल करना है इस S1 को, तो आप सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे स्लैश, फिर अपना URL पैटर्न लिख दोगे S1। उसके बाद अगर आपको URL रीराइटिंग करनी है, दैट मींस आई वांट टू चेंज दिस URL, हमें कुछ वैल्यूज भी इसके अंदर रखनी है, तो आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क और लेट अस सपोज आप रख दोगे यहाँ नेम इक्वल टू जॉन। और अगर आपको रोल नंबर वगैरह भी रखना है तो आप यहाँ पे एक बार एंड लगा सकते हो या दो बार भी लगा सकते हो, और फिर आप यहाँ पे रोल इक्वल टू 101। इवन इसी तरह आप बहुत सारी वैल्यूज को अपेंड कर सकते हो। तो ये जो URL था टोटल, ये जो URL था वो किस सर्वलेट के लिए था भाई, ये जो URL था वो S1, दैट मीन्स इस सर्वलेट के लिए था। तो ओपन अभी भी यही सर्वलेट होगा, मतलब चलेगा यहाँ पे जो आपने लिखा होगा सर्विस या डू गेट डू पोस्ट मैथड, जो भी आपने लिखा होगा डू गेट मैथड लिखा होगा, ये चलेगा यही मेथड। बट एक्चुअली ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन URL में रख दी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन URL में रख दी है, और इसी को हम लोग बोलते हैं URL रीराइटिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो URL रीराइटिंग हो रहा है ना, ये क्लाइंट एंड से हो रहा है, दैट मीन्स आप ये ब्राउजर से हो रहा है, और जब रिक्वेस्ट जाएगी तो आप क्या कर सकता है, सिंपल सा ये जो S1 चलेगा ये क्या कर सकता है, इनकी वैल्यूज को फेच कर सकता है, रोल नंबर फेच कर सकता है, नेम को फेच कर सकता है। दैट मीन्स इसको कुछ नहीं कॉल करना है, इसको सिंपल सी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट पे एक फंक्शन है गेट पैरामीटर, इस फंक्शन को कॉल करके और की दे देनी है, की मतलब नेम दे देगा तो ये जॉन रिटर्न कर देगा, रोल नंबर दे देगा तो ये 101 रिटर्न करेगा। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, किसी इस सर्वलेट को चलाने के लिए URL यूज़ करते हो, URL पैटर्न यूज़ करते हो, और उसी URL में आप कोई वैल्यू रख सकते हो, दैट मीन्स URL को चेंज कर सकते हो, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग URL रीराइटिंग। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, URL रीराइट कर रहे हैं। अब वो जो URL जिस सर्वलेट के लिए था, जिस पेज के लिए था, वो पेज या वो सर्वलेट क्या कर सकता है, उस URL से वैल्यूज को फेच कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कीज, जो आपने कीज रखी है रोल नंबर नेम, उनकी वैल्यू फेच कर सकता है। और बेसिकली ये जो URLs बन रही है आपके ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजने के लिए होते हैं, ये किससे होते हैं, ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजने के लिए होते हैं। दैट मींस ये स्टेट को भी मैनेज कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम थी, दैट मींस जब आप URL को सर्वर से लोड करा दीजिए और उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए, URL में वैल्यूज अपेंड कर दीजिए, जब बंदा दोबारा रिक्वेस्ट भेजेगा तो जो वैल्यू होगी वो उसी रिक्वेस्ट के साथ वापस चली जाएगी, और वो वैल्यू आपका URL में रखी रहेगी, जिससे होगा क्या, जब सर्वलेट उसको एक्सेस करेगा तो वैल्यू उसको फेच कर लेगा सिंपल सी, और उसको पता लग जाएगा कि भैया यूज़र की आई डी ये है, ये है, ये है। और जैसे आप ये खुद सोचिए, यहाँ पे जो URL है इसमें हमने इस URL को बनाया है और इस URL को क्लाइंट के ब्राउजर में सेव कर दिया, अब जब हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये URL जब जाएगा तो मुझे देखिए ऑलरेडी आपको नाम निकाल लो यहाँ जॉन मिल जाएगा, रोल नंबर निकाल लो 101 मिल जाएगा, अब यहाँ पे आपको जॉन रोल नंबर मिल गया, दैट मीन्स आपको तो पता चल ही जाएगा कि भैया जो रिक्वेस्ट आ रही है वो जॉन भेज रहा है जिसका रोल नंबर 101 है। अब आप क्या कर सकते हो, रोल नंबर आपको पता, नाम पता, तो आप डेटाबेस से भी क्या कर सकते हो, वैल्यूज को अच्छा खासा फेच करके और डिटेल को दिखा सकते हो। और जब आप वापस भेज रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई URL आप खुद
राइट कर रहे हो जिससे क्लिक करवा सको, तो आप क्या करोगे उसमें भी आप यूआरएल राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि पेज तो आपको ही जनरेट करना है, यहाँ से सर्वलेट से ही आपको क्या करना है रेस्पॉन्स जनरेट करना है। तो आप यहाँ पे URLs दे सकते हो रीराइट करके, बंदे को सिर्फ बटन दबा के क्लिक करना रहेगा, फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाएगी। दैट मीन सिंपल सी बात है, URL रीराइट करने से सिंपल सा फायदा क्या है, आप क्या कर सकते हो स्टेट को मैनेज कर सकते हो। स्टेट को मैनेज करने का मतलब होता है कोई डेटा रखना मल्टीपल, कई सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के दौरान, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बार बार डेटा URL में चिपका सकते हो जिससे कि सर्वर पे उसको कोई फेच कर ले। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई है कि URL रीराइटिंग क्या होता है। एक बार मैं और बताना चाहूँगा, URL राइटिंग मीन्स चेंजिंग और मॉडिफाइंग और अपेंडिंग द URL इज कॉल्ड URL रीराइटिंग। आप कोई वैल्यू रख सकते हो URL में, और होगा क्या जब आप वैल्यू रख दोगे तो जो सर्वलेट के लिए वो वैल्यू होगी, जैसे ही सर्वलेट चलेगा उस वैल्यू को वो क्या कर सकता है, फेच कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे इसका प्रैक्टिकल, और एक बार हम लोग और समझेंगे URL रीराइटिंग होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।